अब खबर है कंबोडिया से। कंबोडिया का कपड़ा उद्योग 7 अरब डॉलर का है, जिसमें करीब 8.5 लाख लोग काम करते हैं। कपड़ा उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिए वैक्सीन की प्राथमिकता दी गई है। कंबोडिया ने अप्रैल के महीने में कपड़ा फैक्ट्रियां बंद की और ऐसी बस्तियों पर सख्त पाबंदियां लगाई जहां काम करने वाले कर्मचारी रहते भी हैं। इन बस्तियों में हर रोज 100 से अधिक संक्रमण के मामले सामने आए। 100 के करीब फैक्ट्रियों में संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। 1.60 करोड़ की आबादी वाले कंबोडिया में महामारी के पहले साल में सिर्फ 500 मामले सामने आए थे। इस साल फरवरी में महामारी की चपेट में 22,000 लोग आए और 156 लोग मारे गए। अधिकारियों ने 19 अप्रैल को उन इलाकों में रेड जोन घोषित किया जहां संक्रमण की दर अधिक थी। जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई, कम आय वाले हजारों श्रमिक बिना वेतन के हो गए। अधिकार समूह ने ऐसे कर्मचारियों के लिए अभियान चलाया, जिसके बाद कंबोडियन माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन ने 7 अप्रैल को अपने सदस्यों को संघर्ष कर रहे कर्मचारियों की आर्थिक मदद करने को कहा। लेकिन कई कर्जदारों ने थॉमसन रॉयट्स फाउंडेशन को बताया कि उन्हें ऋण अधिस्थगन की पेशकश नहीं की गई थी और उन्होंने आशंका जताई कि कर्ज के बदले जो जमीन गिरवी रखी है वो उनके हाथ से चली जाएगी।